अगर आप लंदन में रह रहे हो और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिन कार्ड रीडर का यूज़ क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और सुबह के 4-5 बजे से बारिश चालू हो गई है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलो आपको बारिश का एंजॉय करवाते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं वेमली सेंट्रल स्टेशन। यहां से मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाऊंगा। वेमली सेंट्रल से मैं विल्सन जंक्शन जाऊंगा, जिसके लिए ये दोनों लाइन में से मैं कोई भी लाइन ले सकता हूं और वो ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलो जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो मैं पहुंच चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और वेट कर रहा हूं अपनी ट्रेन का। तो मैं पहुंच चुका हूं विल्सन जंक्शन और यहां पे हम लोग करेंगे पिन कार्ड रीडर का यूज़। चलो देखते हैं कैसे मैं करता हूं। जैसे ही मैं अपना ओयस्टर कार्ड यहां पिन कार्ड रीडर पे टैप करूंगा तो ग्रीन लाइट जलेगी। पिन कार्ड रीडर पे टैप करने के बाद मैं जा रहा हूं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। यहां से मैं लूंगा स्ट्रेटफोर्ड की ट्रेन जो कि ओवरग्राउंड लाइन पे है। तो मैं पहुंच चुका हूं मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और वो अभी देखते हैं कितने बजे हैं। तो भाई स्ट्रेटफोर्ड वाली ट्रेन अभी 8 मिनट में आने वाली है तो वेट करते हैं उसका। और उसके बाद जब वहाँ पे स्ट्रेटफोर्ड पे पहुँचेंगे तो फिर से पिंक कार्ड रीडर का यूज़ करेंगे। अगर आप लंदन में रह रहे हो और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिंक कार्ड रीडर का यूज़ क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और ये मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा। यहाँ का टेम्परेचर है 18 डिग्री और यहाँ पे एक बंदा है जिसको इस टेम्परेचर पे भी गर्मी लग रही है तो उसने अपना फैन चालू किया हुआ है और उसको पता चल चुका है कि मैं उसका वीडियो खींच रहा हूँ तो वो बार बार मुझे ही घूर रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से स्ट्रेटफोर्ड पे भी पिंक कार्ड रीडर का यूज करेंगे। हम लोग लेंगे DLR सर्विस जो कि है केंद्रीय वार्फ और उसके भी आगे जाएंगी 4 या 16 नंबर के प्लेटफॉर्म पे आएगी। येलो कार्ड रीडर यहाँ पे आपको टैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही पिंक कार्ड रीडर पे टैप कर लिया है
तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आएगी केंद्रीवा, 5 मिनट की वेट है। जो DLR सर्विस है वो है ड्राइवरलेस ट्रेन। तो अभी मैं स्टेटफोर्ड से DLR लूँगा केंद्रीवा के लिए, और वहाँ से केंद्रीवा से फिर दूसरा मेरे को DLR चेंज करना पड़ेगा। और ये DLR में ऐसा होता है कि वो ड्राइवरलेस है, सो अगर हो सकता है तो मैं आपको फ्रंट से कैसे दिखता है और सबसे आगे जाके दिखाऊंगा कि भाई जैसे कि लगता है कि हम ही ड्राइवर है, पहली सीट पर बैठकर दिखाऊंगा। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने लास्ट स्टेशन साउथ क्वे DLR स्टेशन पर। तो जब भी आप DLR ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो स्टेशन से बाहर निकलते वक्त यहां पे बैरिकेड्स नहीं होते हैं, तो प्लीज़ अपना ओइस्टर कार्ड रीडर पे टैप करना मत भूलना। और अगर आप भूल गए तो जो भी मैक्सिमम चार्ज होगा वो आपका कट जाएगा, सो डोंट अवॉइड दिस मिस्टेक। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे ट्रांसपोर्ट में सेविंग कर सकते हो। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने का है, उसमें नए टैब में सिंगल फेयर फाइंडर सर्च करने का है। तो अगली स्क्रीन आपको ऐसी दिखेगी जिसमें पहला ही ऑप्शन है सिंगल फेयर फाइंडर, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको अगली स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। तो फ्रॉम में जिस स्टेशन से आप बैठने वाले हो उस स्टेशन का नाम आएगा, जो कि मेरा है वेमली सेंट्रल अंडरग्राउंड स्टेशन, और टू में आएगा साउथ क्वेरी DLR स्टेशन। उसके बाद आप सिंगल सो फेयर पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपको कितना पैसा कटेगा। अगर आप पीक आवर में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 4.3 पाउंड और ऑफ पीक आवर में ट्रैवल कर रहे हो तो 3.10 पाउंड कटेंगे। दिस इज विदाउट पिंक कार्ड रीडर यूज। यहाँ पे दो अल्टरनेटिव फेयर्स भी दिए हैं, तो हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एकदम सस्ता वाला है। आप देख ही सकते हो कि पीक आवर्स में 2.7 पाउंड और ऑफ पीक आवर्स में 1.8 पाउंड है। तो ये फेयर तभी ही एलिजिबल है जब अवॉइडिंग जोन 1 वाया विल्सन जंक्शन एंड स्ट्रेटफोर्ड करेंगे। तो वो कैसे करने का है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पिंक कार्ड रीडर विल्सन जंक्शन और स्ट्रेटफोर्ड पे आपको करना है। तो उसके लिए आपको कौन सी ट्रेन लेनी चाहिए वो मैं आपको स्टैंडर्ड ट्यूब मैप के थ्रू, तो फिर से आपको अपना गूगल ब्राउज़र क्रोम ओपन करना है और उसमें सर्च करना है स्टैंडर्ड ट्यूब मैप, तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी। तो उसमें से आपको ये तीसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड ट्यूब मैप .pdf वो सिलेक्ट करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ऐसी स्क्रीन दिखेगी। मैप ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं वेमली सेंट्रल स्टेशन ढूँढूँगा, जो कि वो किस जोन में आता है वो भी चेक कर लूँगा। तो वेमली सेंट्रल है वो 4th जोन में आता है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वहाँ से मैं लूँगा कोई भी लाइन जो कि विल्सन जंक्शन जाती हो। विल्सन जंक्शन जो कि Zone 2 और 3 के बीच में आता है, वहाँ से मैं ओवरग्राउंड लाइन लूँगा जो सीधा मेरे को स्ट्रेटफोर्ड लेके जाएगी। स्ट्रेटफोर्ड जो कि Zone 2 और 3 के बीच में है, तो वहाँ से मैं DLR लाइन लूँगा, सीधा मेरे को साउथ क्वे स्टेशन पर लेके जाएंगी। इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन में 30-50% तक की सेविंग कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।